तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर यह बड़ी घटना 101% होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल शांति मन से वीडियो देखना, क्योंकि तुला राशि वालों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में एक भयंकर घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि वो सबसे बड़ा महामूर्ख इंसान होगा जो इस वीडियो को नज़रअंदाज करेगा। जी हाँ, जो घटना अगले इन 24 घंटे के अंदर होने वाली है, आप उसे ज़िंदगी भर याद रखोगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और शुक्र ग्रह का भी बड़ा राशि परिवर्तन हो चुका है। तुला राशि वालों अगले 24 घंटे के अंदर ये तीन बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ये परिवर्तन अगले 24 घंटे के अंदर से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में ये तीन बड़े ग्रह अपना असर दिखाने वाले हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है, यकीनन इससे आपकी जीवन बदलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मंगल का डायरेक्ट कनेक्शन संकट मोचन महाबली हनुमान जी से है। जी हाँ, जिससे कि दोस्तों आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद पड़ेगा, जिससे आप सभी के जीवन में चार चांद लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपको सभी प्रकार के कष्टों से, सभी प्रकार की मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह कल से आप सभी के जीवन काल में महापरिवर्तन करेगा और ये आपको एक नई जीवन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों तो चलिए जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, यानी कि कल से आप सभी के जीवन काल में ये मंगल ग्रह कौन कौन से परिवर्तन करेंगे, कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे, आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है जिससे आपको लाभ हो सके। जी हाँ, वीडियो हमेशा की तरह ग्रह गोचर पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जरूर लिखें। तुला राशि वालों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ और संकट मोचन प्रभु महाबली जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन दोस्तों अपने मन को बिल्कुल शांत रखना। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी संकेत मिलता है तो दोस्तों आप उसे अपने तक ही सीमित रखें, नहीं तो दोस्तों लोग इसका गलत इस्तेमाल करके फायदा उठा सकता है। जी हाँ, आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको अपने व्यापार में, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ, और जो लोग कच्चे माल का आयात निर्यात करते हैं उन्हें आज के दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, बेरोजगार लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें मल्टीनेशनल किसी कंपनी से नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। जी हाँ, और जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उनके लिए नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सभी बातें अपने तक ही सीमित रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने सीक्रेट बातें, अपने पर्सनल बातें किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देना। देखिए दोस्तों, भौतिक सुविधाओं की ओर ध्यान देने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, अपने सामाजिक जीवन का आनंद उठाएं और ऐसे दोस्तों और
परिचितों से भी बात करें जिनके संपर्क में आप लंबे समय से नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जाति ग्रह स्तर में भी बदलाव महसूस करेंगे जो आपको अचानक ही अनुभव होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय अपने मन की बात सुनना ही आपके लिए उचित रहेगा। जैसा आपका मन कहता है आप बिल्कुल वैसा करें, तभी आपको जो है सफलता मिल पाएगी। जी हाँ, इस समय आपको अपने मन की बातों को सुननी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से ऐसे नज़रअंदाज करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई आपको वहमी ना समझे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलेंगे तो पाएंगे कि ये असंभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है। आज यह पक्का हो जाएगा कि आप अपने दम पर आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पहला निर्णायक कदम उठाएंगे, आपका सारा मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जटिलताएं आज आपके प्रेम के रिश्तों में आएंगी। जी हाँ, आप या आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे, बल्कि आपके साथी के व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा, जिसके बारे में आप अनजान थे। जी हाँ दोस्तों, और ये आपके रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चों सा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है, और इसके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का जो है निर्माण होता है, और आप अपने चुटकुलों और हास्य के सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं, जो आपके मुखमंडल से जो है अनायास ही निकल पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से आपको जो है सबको असरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने के लायक होगा, और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशियां बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है, दिन कुल मिलाकर मज़ेदार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को आप भूलने से भी नहीं भूल पाओगी। आज का दिन बहुत खास है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगी। जो आपके मन में है, जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, आप एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकते हैं। उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस मौके का इंतज़ार लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन वो दिन अब आ चुका है। आज सारे राज उनके सामने खोल दें और अपनी चिंताएं भी उन्हें स्पष्ट बता दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आएगी, और आप दोस्तों तथा एक जोड़े के रूप में भी करीब आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से नहीं हो पा रहा था, परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने की संभावना है। आपको ये याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, शांति मन से कार्य करना होगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में भाग्य का असली खेल शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अचानक से ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा परिवर्तन होगा जो कि एकदम से आप खुशी से नाचने लगेंगे।
जी हाँ दोस्तों, आपके कैरियर के क्षेत्र से लेकर व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अब बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी अब कई मौके मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आपके नए कामों की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप नए कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय लेकर ही करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में फैसला लेना हमारे लिए सही नहीं होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार इंसान है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आप अंदर से डरे हुए हैं। ये जान लें कि आप इन मुद्दों से घबराने की बजाय जरूरत नहीं है। इन वर्तमान समस्याओं के कई कारण हैं और इनके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, आप नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी बातें जल्द ही सुलझ जाएंगी। अपने आप को राहत देने के लिए किसी मनोरंजक कार्यकलाप की योजना पर जाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, यह समय एक सख्त शार्क कार्यक्रम जो है शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए, पूरा मजा लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आप अपने सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपने ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। लेकिन आपका डर निराधार है, यहां तक आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल रही है। इसलिए भाग्य आपका बहुत ही अच्छी तरह से साथ निभा रही है। आपको इस शुभ अवसरों में, शुभ समय में अपने जो है मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, इनका लाभ उठाना चाहिए तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आप एक दृढ़ इससे निशान वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई भी काम शुरू कर दें तो उसे पूरे मेहनत से पूरा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप औरों के कहने पर नहीं चलती हैं, नहीं जाती हैं। आप वो करने की क्षमता रखती हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप उनसे आगे हैं, हर जगह आप उनसे बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना यह नज़रिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी आसानी से पहुंच सकती हैं जो दूसरे कभी सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके काम करने की क्षमता गजब की है। जी हाँ, और यही आपकी लगन और मेहनत आपको सफलता दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अपना जो है जुनून जज्बा बनाए रखें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सितारे कहते हैं कि आज पेट में खराब होने की काफ़ी आशंका बन रही है, इसलिए आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है, आपको संक्रमण भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज करें। आपको मुहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा और शब की समझ विशिष्टता से प्रभावित होंगे। खूब प्रशंसा आज आपको मिलेगी। इस बेहतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुलने में करें तो इससे आपके सामने नए अवसर खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों आज का दिन आपके लिए काफी हद तक उत्तम रहने वाला है, काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, कुछ मुश्किल कार्य जो कि अपने समय पर छोड़ दिए थे उन्हें पूरा करने के भी उचित समय है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप अपने सारे रुके हुए काम अपनी उम्मीद से ज़्यादा पूरे कर पाएंगे और सारा काम का बोझ जो है खत्म हो सकता है। आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आस पड़ोस के सहकर्मी को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य आपका बहुत अच्छा तरह से साथ दे रहा है, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको दूसरों की बातों में लगने से अभी बचना होगा। जी हाँ, क्योंकि लोग जलन की भावना से आपको गलत सलाह दे सकता है, अगर आप उनके कहने पर चलेंगे तो आपको श्योर ही नुकसान होगा। जी हाँ, इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने आप को सुननी है। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की जानकारियां आपको समय समय से मिलती रहेगी। इन्हें जानकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जैसा बताए हैं वैसे ही करिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा, ज़रूर लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में कुंडली के घोड़े ने अपना जलवा दिखाएगा। जी हाँ, बहादुरी देखकर आपके दुश्मन भी सलाम ठोकेगा, लेकिन आपकी कुछ गलतियाँ जो आप बार बार भावनाओं में बह जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग आपके मुंह पर तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, इतने मीठे मीठे बोलते हैं कि आप उनकी भावनाओं में बह जाती हैं, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही भोले हैं, जो कि कुछ लोग आपकी यही भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यही गलतियां आपको नहीं करना है, आपको अपने जीवन में थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। पिछले समय की तुलना में अब की जो समय है ये समय काफ़ी अच्छा है, किस्मत का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। इस समय आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, धन की समस्या से, आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज आप बोलने में सावधानी रखें। जी हाँ, आप जिसे अपना करीबी समझते हैं, अपना बहुत खास समझते हैं, वही आपकी गुप्त बातों को उजागर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बोलने से पहले दोबारा सोच विचार कर लें, अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी तीसरे के बारे में बात करने से आज आप बचें, और किसी दूसरे शहर की यात्रा और उसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना पुराने पलों को याद करेंगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपकी सेहत काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके हिसाब से आपने स्टेमिना कम है, हालांकि आपको इसका अनुभव केवल खुद को बिस्तर के बाहर आने तक ही होगा। घर से आपके बाहर निकलते ही कुछ मिजाजी मौसम आपका स्वागत करेगा, और आप खुद को अपने स्वाभाविक जो है लय को ही पाएंगे। आप दुपहिया वाहन का प्रयोग करने से बचें, अगर करना ही पड़े तो सावधानी पूर्वक करें, थोड़ा कम करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज आपको छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। देखिए दोस्तों, आपका बेहतरीन रहन सहन काफ़ी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन इनमें से अधिकतर काफ़ी चालाक और काफ़ी होशियार भी हैं, आपको उनसे प्यार करने का दिखावा करती हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं, नकारात्मकता को नज़रअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, और अभी आपको बहुत चाहने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको अपने धैर्य को बनाए रखना होगा, कॉन्फिडेंस को अभी बनाए रखना होगा। जल्दबाजी आपको भूल से भी नहीं करना है, चाहे वो प्यार हो या रिश्ता हो या फिर दोस्ती, किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा।
देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे नकारात्मकता से भरे सभी लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। जी हाँ, ये लोग आपको भी नकारात्मकता बनाकर और सफल कर देने की कोशिश में हैं। जी हाँ, जबकि आप अपने मंजिल के बहुत ही करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय अपने परिवार के साथ समय बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए आप अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है, आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है। जी हाँ, जो कि भाग्य ने आपके ऊपर फेंके थे। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने आप को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफ़ी कम हो गया है, अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी समय अवधि ने निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो इस समय आप दिल खोल कर निवेश कर सकते हैं। इस समय आपका भाग्य साथ दे रहा है, निवेश में किया गया आपको लाभ देगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही अभी आपको लाभ ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको ज़रूर लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। एक दूसरे का साथ आपका समय व्यतीत होगा, लेकिन आपको इस समय छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी एक सबसे बढ़ती बहुत बड़ी गलती है कि आप कोई भी बात को पकड़ कर रखते हैं, जो कि आगे चलकर आपके लिए समस्या बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, तनाव लेने से बचिएगा और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके आपको जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर देखिए कैसे सफलता आपकी कदम चूमती है। दोस्तों, अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय भोलेनाथ।